तो आज सरल सह समीकरण अध्याय शेष क्लास यही वीडियो रे आम अनुशीलनी वन सी समाप्ति करवा सरल सह समीकरण अध्याय बाकी सब वीडियो सरल सह समीकरण प्लेलिस्ट रु मिल जाव देखा अनुशीलनी वन सी क्वेश्चन नंबर 16 कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 16 अच्छी ए ओ बी आयर अनुपात 8:7 और व्ययर अनुपात 19:16 जदि उभय 1250 टंका लेखाएं संचय करती तेबे सेमानंकर आय केते निर्णय कर तो देखो ए और बी रो आयर अनुपात दिया है 8:7 एवं व्ययर भी अनुपात दिया है 19:16 वर्तमान तुम्हें मत गोटे कथा कह जदि तुम आय 10 टंका हुए आउ व्यय जदि 7 टंका हुए तेबे तुम संचय केते हबो आय बा इनकम होउछि तुम 10 टंका व्यय बा एक्सपेंडिचर होउछि तुम 7 टंका तेबे तुम संचय केते हबो वेरी गुड तुम संचय हबो मात्र 3 टंका आय टंकारु व्यय टंका को वियोग कले आमे पाइबा संचय बुझी पारलो चलो वर्तमान प्रश्नर समाधान करिबा जेमति कि प्रश्नर फर्स्ट पार्ट रे हमकु दिया है छि जे ए ओ बी रो आयर अनुपात दिया है छि हमकु मात्र 8:7 तो एठारे आमे मने करिबा जे ए रो आय होउछि 8x टंका आ बी रो आय होउछि 7x टंका बुझी पारछो तो लेख जे मने करा जाउ कि ए रो आय हेउची मात्र 8x टंका ओ बी रो आय हेउची मात्र 7x टंका बुझी पारलो ए रो आय हला 8x टंका बी रो आय हेउची 7x टंका तापर देखो ए आ बी रो व्यय रो अनुपात देची 19:16 बुझी पारले कि नहीं सेइ भले हमकु दिया जायची जे ए ओ बी रो व्ययर अनुपात केते 19:16 एठारे आमे मने करिबा जे मने कर ए रो व्यय होउछ 19y टंका आ बी रो व्यय होउछ 16y टंका एठे एक्स आमे नै परिबा नै एक्स आमे नै सर चा अगुरु बुझि पारले कि नै तो आमे वाई नबा मने कर ए रो व्यय होउछ 19y टंका लेखो मने कर जे ए रो व्यय मात्र 19y टंका ओ बी रो व्यय हेउछि मात्र 16y टंका बुझि पारलो ए रो व्यय को नेले 19y टंका बी रो व्यय को नेले 16y टंका कहार किछ असुविधा नै चलो वर्तमान सेमानंकर संचय पाकु जीवा सेमानंकर संचय होउछि प्रत्येक 1250 टंका लेखाय संचय करूछंती माने ए भी संचय करूछि 1250 टंका बी भी संचय करूछि 1250 टंका ए रो संचय केमति बाहरिबो ए रो आयरु ए रो व्यय को वियोग कले सेबले बी रो संचय केमति बाहरिबो बी रो आयरु बी रो व्यय को वियोग कले बुझि पारछो कार किछ असुविधा नै चलो आमुकु एठारे प्रश्न रे कहिछि लेखिबा प्रश्नानुसारे ए रो संचय होउछि 1250 टंका देखो ए रो आय होउछि केते 8x टंका रु वियोग करिबा तार व्यय ए रो व्यय केते 19y टंका तो 8x टंका रु 19y टंका को वियोग कले हमर ए रो संचय बाहर जीव तो ए रो संचय हबो 1250 टंका प्रश्न रे हमकु एटा तो कहिछि जे ए रो संचय होउछि 1250 टंका याकु दे देबा समीकरण 1 बुझि पारलो चलो एबे बी रो संचय पाकु जीवा बी रो संचय भी 1250 टंका तले बी रो आय रु बी रो व्यय को वियोग कले बी रो संचय बाहर जीव ताले 7x रु आमे 16y को वियोग करिबा जदी वियोग फल बाहरिबो 1250 टंका बुझि पारलो याकु दे देबा समीकरण 2 बुझि पारलो ना नाही चलो वर्तमान टिके दुटा समीकरण को भलो भाबरे लक्ष्य कर सेमानकर डाहाण पाख समान अछि डाहाण पाखरे यार भी 1250 टंका यार भी 1250 टंका ता माने तांकर बा पाख भी समान हो बुझि पारछ ना नै टिके देखो धर जे 3+4 होउछि केते 7 से बळ्या 5+2 केते 7 अरे 3+4 जा 5+2 से अनुइ तो वर्तमान एमानकर डाहाण पाख समान अछि ता माने सेमानकर बा पाख भी समान हो बुझि पारले कि नै ता माने 3+4 जा 5+2 से आ मुझे लिखी दे पारि जे 3+4=5+2 किसी असुविधा नुहे किसी कह रही असुविधा नहीं 3+4 कले जी बाहर 5+2 कले भी से बाहर ये भी देख समीकरण 1 आ समीकरण 2 को टे लक्ष्य कर सेमकर डाहाण पाख सामान अच्छी अर्थात सेमकर बा पाख भी सामान हम तो लिखा जे इक्वेसन 1 ओ 2 को तुलना कले तुलना
कले आम पाइबा जे 8x माइनस 19y 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 7x माइनस 16y केमती लिखिबा 7x माइनस 16y बुझी पारलो असुविधा नहीं कर किछि चलो वर्तमान देखो ए जो 7x टा डाहाण पाखरे अछि ताकु तमे बा पाकु फेंगि दियो तो आमे पाइबा 8x माइनस 7x बुझी पारलो इज इक्वल टू एबे देखो जो 19y टा एपटे माइनस एक अछि ताकु तमे डाहाण पाकु फेंगि दियो से प्लस 19y हे जइबो तो डाहाण पाखरे रहइबो 19y माइनस 16y बुझी पारलो तो 8x रु 7x गले आमे केतरा x पाइबा गुटे x पाइबा तो x इक्वल टू को 19y माइनस 16y केते 19टा y रु जदि 16टा y वियोग करबा केते रहइबाओ वेरी गुड 3y तो x इक्वल टू 3y बुझियाला तो वर्तमान ए जो x रो मान आमे पाई गेले 3y x रो मान को तमे इक्वेशन 1 किबा 2 रे पकेई दियो तमे y रो मान पाई जिवो बुझी पारले कि नै तो लेखो x रो मान को इक्वेशन 1 रे प्रयोग करले भाई इक्वेशन 2 रे भी तुम्हें चाहिए प्रयोग कर दो केड सहज हो तुमको 2 रे प्रयोग करिया सहज हो ठीक है तो इक्वेशन 2 रे प्रयोग करिबा इक्वेशन 2 रे प्रयोग करले देखो 8x 7x - 16y 1250 अछि तो 7x 7x x जगह पके दियो 3y बुझि पारलो x जगह हम केते पकेबा 3y हम बाहर कर छै ना x = 3y बोली तो एडी पकेबा 7x x जगह पकेले 3y माइनस 16y इज इक्वल टू 1250 बुझी पारलो वर्तमान 73 केते होबो 21y माइनस 16y इक्वल टू 1250 बुझी पारलो 21 टा y रु 16 टा y को वियोग करले वियोगफल केते होबो वेरी गुड 5y इक्वल टू 1250 एबे देखो ई जो 5 टा y संगे गुण नै कयो चार पाक को गले हरण हे जिवो त हमें पाइबा y इक्वल टू 1250 डिवाइडेड बाय 5 1250 रे 5 हरण करो केते होबो 250 होबो तो y इक्वल टू 250 टंका हला y रो मान केते पाइले हम 250 पाइ गले एबे तुमको व्यय बाहर करिवार अछि कि आय बाहर करिवार अछि देखिनियो से मानकर आय बाहर करिवार अछि तो y तो व्यय रे आसी हो जी ना तो हमको x रो मान बाहर करिवार अछि तो x एड पके के बाहर कर दियो तेड पके दियो x इक्वल टू 3y अछि ना तो x इक्वल टू पके दियो 3y 3 इनटू y जगह पके दियो 750 टका तो x रो मान पाई गेले केते 750 बुझियाला x रो मान केते पाई जिवा 750 एबे ए रो आयो आ बी रो आयो बाहर कर दियो ए रो आयो केते रे केते कहिदिला ए रो आयो 8x टका ना तो 8x टका त माने 8 इनटू x जगह पे पकेई दियो 750 टका देखो केते होबो 6000 टका एबे बी रो आयो बाहर करिबा बी रो आयो केमदी बाहरिबो बी रो आयो हो जे 7x टका तो 7x टका 7x जगह रे पकेई दियो 750 टका को केते बाहरिबो 5250 टका बुझी पारलो तो आमे जानिले जे ए रो आयो होउची 6000 टका आउ बी रो आयो होउची 5250 टका समस्त बुझी पारलो केमती आमे क्वेश्चन नंबर 16 रो समाधान कोलु चलो वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 17 रो प्रश्न कोन अछि क्वेश्चन नंबर 17 अछि 5 वर्ष परे पितार वयस पुत्र वयस रो 3 गुण हेबो 5 वर्ष पूर्वे पितार वयस पुत्र वयस रो 7 गुण थिला तेबे सेमानकर वर्तमान वयस स्थिर कर देखो पितार वयस वर्तमान केते अछि आमे जानिनु किंबा पुत्रर वयस वर्तमान केते अछि आमे जानिनु तेणु एठारे आमे धरि नबा जे मने कर पितार वर्तमान वयस होउछि x वर्ष आ पुत्रर वर्तमान वयस होउछि y वर्ष तापरे आमे प्रश्न गुजिबा प्रश्नर फर्स्ट पार्ट रे कहा जायछि जे 5 वर्ष परे पितार वयस पुत्र वयसर 3 गुण हे जिवो माने 5 वर्ष आगु को जदि आमे चली जिबा सेते बेले पुत्रर वयस जति कि थिबो ता देहरे आमे जदि 3 गुण देबा ताले पितांक वयस बाहर जिवो बुझि पार छै कि नै तमरो वर्तमान वयस केते 15 वर्ष पाखा बाकी थिबो एबे जदि आमे 5 वर्ष आगु को पळेबा ताले तम वयस केते हे जिवो 20 वर्ष हे जिवो 15 युक्त 5 से बेला देखो पितांकर वर्तमान वयस होउछि x वर्ष 5 वर्ष परे आंक वयस केते हे जिवो तमे कहबो x + 5 वर्ष वर्तमान जति कि वयस अछि ता देहर जदि 5 मिसै देबा
ତାହେଲେ ଜାଣି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଉଛି ୱାଇ ବର୍ଷ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ, ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ ବର୍ଷ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପିତାର ବୟସ ଥିବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ ବର୍ଷ, ଆଉ ପୁତ୍ରର ବୟସ ଥିବ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ ବର୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପୁତ୍ରର ବୟସରେ ଯଦି ଆମେ ତିନି ଗୁଣିଦେବା ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିତାଙ୍କ ବୟସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁତ୍ରର ବୟସ, ପୁତ୍ର ବୟସରେ ତିନି ଗୁଣିଦେଲେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମେ ସମୀକରଣ ତିଆରି କରିଦେବା, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ ଗୁଣିଲ ଦେଖିବା, ଥ୍ରୀ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ହୋଇଯିବ। ଥ୍ରୀ ୱାଇଟାକୁ ତୁମେ ଆର ପାଖକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ତୁମେ ପାଇବ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭକୁ ଯଦି ତୁମେ ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବ ସେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ, ପନ୍ଦର ବିୟୋଗ ପାଞ୍ଚ, ପନ୍ଦରରୁ ପାଞ୍ଚ ଗଲେ ଦଶ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ସମୀକରଣ ଏକ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। କୁହାଯାଇଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବୟସ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପଛକୁ ଫେରିଯିବା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତାହେଲେ ତୁମ ବୟସ କେତେ ଥିଲା, ପନ୍ଦର ବିୟୋଗ ପାଞ୍ଚ କରିଦେବ ମାନେ ଦଶ ବର୍ଷ ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏବେ ଦେଖ, ପିତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ବର୍ଷ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଥିବ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ବର୍ଷ ଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଉଛି ୱାଇ ବର୍ଷ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ବୟସ କେତେ ଥିବ, ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ବର୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିତାଙ୍କର ବୟସ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୁତ୍ର ବୟସର ସାତ ଗୁଣ ଥିଲା। ଇଏ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପିତାଙ୍କ ବୟସ, ଇଏ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୁତ୍ରର ବୟସ, ଏଇ ପୁତ୍ର ବୟସରେ ସାତ ଗୁଣି ଦେଲେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଉଥିଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଚାଲ ଆମର ଏଠି ସମୀକରଣ ଏବେ ତିଆରି ହୋଇଯିବ, ବାଁ ପାଖରେ ରହିଲା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ, ଡାହାଣ ପାଖରେ ରହିଯିବ ସେଭେନ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ, ତା ହେଇଯିବ ପଇଁତିରିଶ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ସେଭେନ୍ ୱାଇକୁ ତୁମେ ବାଁ ପାଖକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ତୁମେ ପାଇବ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭକୁ ଯଦି ତୁମେ ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବ ସେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ, ମାଇନସ୍ ପଇଁତିରିଶ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ କେତେ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ତିରିଶ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ମାଇନସ୍ ତିରିଶ ପାଇବା ଆମେ ଉତ୍ତର। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥାର୍ଟି, ଇଏ ହେଇଗଲା ସମୀକରଣ ଦୁଇ। ସମୀକରଣ ଏକ ପାଇଗଲେ, ସମୀକରଣ ଦୁଇ ପାଇଗଲେ, ସମାଧାନ କରିଦେବା ଦେଲେ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ମାନ ପାଇଯିବା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? କେମିତି ସମାଧାନ କରୁଛି ଦେଖ, ଲେଖିବା ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ରୁ ଯଦି ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଅଛି ଏଠି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟେନ୍, ଆଉ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ଅଛି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥାର୍ଟି। କରିବା କ'ଣ ନା ୱାନ୍ରୁ ଟୁକୁ ମାଇନସ୍ କରିବା ବା ବିୟୋଗ କରିବା, ବାଁ ପାଖରୁ ବାଁ ପାଖକୁ ବିୟୋଗ କର, ଡାହାଣ ପାଖରୁ ଡାହାଣ ପାଖକୁ ବିୟୋଗ କର। ଦେଖ ବାଁ ପାଖରେ ଅଛି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍, ଡାହାଣ ପାଖରେ ଏଇଠି ଦେଖ ବାଁ ପାଖରେ ରହିଲା ଆମର କେତେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ, ୟା ଦେହରୁ ବିୟୋଗ କରିବା ଏଟାକୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ୱାଇକୁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ବିୟୋଗ କର ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ୱାଇକୁ। ଏବେ ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଡାହାଣ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇଠି ଦଶ, ଦଶରୁ ବିୟୋଗ କରିବା ମାଇନସ୍ ତିରିଶକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦଶରୁ ବିୟୋଗ କର ମାଇନସ୍ ତିରିଶକୁ, ତ ଏପଟେ ଆମେ ପାଇବା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ, ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲି ଦିଅ, ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ୱାଇ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ୱାଇ ହେଇଯିବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦଶ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ତିରିଶ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସେଠି ତ ମରିଯିବେ, ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ ରହିଲା ବାଁ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଲା, ସେଭେନ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ, ସାତଟା ୱାଇରୁ ତିନିଟା ୱାଇକୁ ବିୟୋଗ କଲେ କେତେଟା ୱାଇ ରହିବ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଚାରିଟା ୱାଇ, ଚାରିଟା ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପାଖରେ ରହିଲା ଦଶ ଯୁକ୍ତ ତିରିଶ କେତେ ଚାଳିଶ ରହିଗଲା, ଫୋର୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ଟି। ଏବେ ଚାରିଟା ୱାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି, ଆର ପାଖ ଗଲେ ହରଣ ହେଇଯିବ, ତ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ଟି ବାଇ ଫୋର୍, ଚାଳିଶରେ ଚାରି ହରଣ କଲେ ଆମେ ପାଇବା ଦଶ, ତ ୱାଇର ମାନ ହେଉଛି କେତେ ଦଶ। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ୱାଇ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ, ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ପାଇଁ, ତ ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଉଛି ଦଶ ବର୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲ? ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ଦଶ ବର୍ଷ। ଏବେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ କିମ୍ବା ଟୁରେ ୱାଇର ମାନ ପକାଇଦେବା, ଦେଲେ ପିତାଙ୍କ ମାନ ବାହାରିଯିବ ବାହାରିଯିବ ଏକ୍ସର ମାନ ବାହାରିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଲେଖ ୱାଇର ମାନକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା, ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ରେ ଅଛି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟେନ୍, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଜାଗାରେ ପକାଇଦେବେ ଟେନ୍, ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟେନ୍, ତ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ କେତେ ଏଇଟା
तीन दशा तीस एक्स माइनस तीस इक्वाल टू दस माइनस तीस आर पाक गले प्लस तीस दस रिश मिसाइल के चालीस ना तो एक्स आम पाइबा चालीस वर्ष माने पिता वर्तमान बयस होउची चालीस वर्ष आ पुत्रर वर्तमान बयस होउची दस वर्ष बुझिपारल क्वेश्चन नंबर 18 अच्छी गोटे आयत क्षेत्र दैर्घ्य 2 मीटर अधिक ओ प्रस्थ 2 मीटर कम हेले क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कमी जाए मात्र दैर्घ्य 1 मीटर कम ओ प्रस्थ 2 मीटर अधिक हेले क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर बढ़ी जाए तेबे मूल आयत क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय कर पूर्वर आम एभली गोटे प्रश्नर समाधान कर सारूँ तो ये प्रश्नर समाधान करवा आमको बहुत सहज हम देख आम तो जाणिने मूल आयत क्षेत्र दैर्घ्य कौन प्रस्थ कौन जदि दैर्घ्य प्रस्थ ही जाणिने ताले तार क्षेत्रफल केमती बाहर करवा आमको आयत क्षेत्र क्षेत्रफल जना आयत क्षेत्र क्षेत्रफल सूत्र कौन दैर्घ्य गुणन प्रस्थ तेणु क्षेत्रफल बाहर करने जो क्षेत्रफल स्थिर करने आमको क्षेत्रफल यही आयत क्षेत्र बाहर करने आमको कौन दरकार दैर्घ्यटे दरकार आ प्रस्थटे दरकार दैर्घ्य जना पड़गले आस्थ जना पड़गले आम ये आयत क्षेत्र क्षेत्रफल बाहर करदे देख आम कौन करवा मनेकर आयत क्षेत्र दैर्घ्य को नहीं जावा एक्स मीटर आस्थ को नहीं जावा वाई मीटर बुझिपारल दैर्घ्य को आम नहीं गले एक्स मीटर आस्थ को नहीं गले आम वाई मीटर आयत क्षेत्र ना दे दि ए बी सी डी आयत क्षेत्र है तो लिखा जे मनेकर मूल आयत क्षेत्र मूल आयत क्षेत्र दैर्घ्य को आम नहीं गले मात्र एक्स मीटर ओ प्रस्थ को नहीं गले आम वाई मीटर चलो मत कह ए दैर्घ्य जदि एक्स मीटर आ प्रस्थ जदि वाई मीटर ताले ए आयत क्षेत्र क्षेत्रफल केते हबो तुम कह सर आयत क्षेत्र क्षेत्रफल सूत्र होगी दैर्घ्य गुणन प्रस्थ एटी दैर्घ्य एक्स प्रस्थ वाई तेने एक्स गुणन वाई करदे एक्स वाई वर्ग मीटर बाहर जीव बुझिपारे कि नहीं तो ये जो आयत क्षेत्र क्षेत्रफल केते हबो ना एक्स वाई वर्ग मीटर बुझिपारल चलो वर्तमान फास्ट पार्ट पढ़ा क्वेश्चन आयत क्षेत्र दैर्घ्य को 2 मीटर अधिक करदे लेख प्रश्नानुसार आम जदि यही आयत क्षेत्र दैर्घ्य को 2 मीटर अधिका करदे दैर्घ्य के एक्स मीटर अच्छी एक्स रे आउ 2 मिसाई दि देने एक्स रो 2 मीटर अधिका हो बुझिपारल दैर्घ्य को 2 मीटर अधिक कले प्रस्थ को 2 मीटर कम करवा प्रस्थ के वाई अच्छी तो वाई माइनस टू करवा दैर्घ्य 2 मीटर अधिक कले प्रस्तरु 2 मीटर कम करदेलु जहाँफल कि तुम जो क्षेत्रफल अच्छी ना ये जो क्षेत्रफल ये 28 वर्ग मीटर कमी जीव है क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कमी जीव बुझिपारल बर्तमान गुणन कर एक्स प्लस टू सांगे वाई माइनस टू को एक्स सांगे वाई गुणन कले एक्स वाई पाइबा एक्स सांगे माइनस टू गुणन कले माइनस टू एक्स पाइबा बुझीला से भाला प्लस टू सांगे वाई गुणन कर आम पाइबा प्लस टू वाई प्लस टू सांगे माइनस टू गुणन कले उत्तर हम माइनस फोर बुझिपारल तो एक्स प्लस टू सांगे वाई माइनस टू को गुणन करार गुणन फल बाहर एक्स वाई माइनस टू एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर सामान डाण पाखे अच्छी एक्स वाई माइनस ट्वेंटी एट बुझिपारल बोथ सैड्रु एक्स वाई को कैनसल मार आम पाइबा माइनस टू एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वाल टू माइनस ट्वेंटी एट है ये माइनस फोर अच्छी तुम डाण पाक फिंगी दि तो तुम्हें पाइब ए पाखे माइनस टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वाल टू माइनस फोर टा डाण पाक जाइए प्लस फोर होगा तो माइनस ट्वेंटी एट प्लस फोर के माइनस ट्वेंटी एट सांगे जदि आम प्लस फोर करवा के बाहर उत्तर भेरी गुड माइनस ट्वेंटी फोर आस बुझिपारल चलो या देदे आम समीकरण एक बुझिपारल समीकरण एक आम कमी बाहर कलु तापर आम सेकेंड पार्ट क्वेश्चन को पढ़ा आ समीकरण दुई या दैर्घ्य एक मीटर कम आ प्रस्थ दुई मीटर अधिक कले क्षेत्रफल तेतीस वर्ग मीटर बढ़ी जाए है तो लिखा पुणी आमको कहुई जे दैर्घ्य को जदि आम एक मीटर कमेद आ प्रस्थ को जदि आम दुई मीटर बढ़ेदे दैर्घ्य को एक मीटर कमेदेले प्रस्थ को दुई मीटर बढ़ेदेले आमर जो क्षेत्रफल से मूल क्षेत्रफल ठारु तेतीस वर्ग मीटर बढ़ीजी आमर मूल क्षेत्रफल केक्स वाई थी ताठू अधिक हो तेतीस चलो एवं एक्स माइनस वाई सांगे वाई प्लस टू को गुणन कर देखिए केते आसुची एक्स इंटू वाई हो एक्स वाई एक्स इंटू प्लस टू हो प्लस टू एक्स माइनस वन इंटू वाई हो माइनस वाई
माइनस वन इंटु टू हो माइनस टू इज इक्वाल टू एक्स वाई प्लस थर्टी थ्री बुझिपार बोथ साइड रु आम एक्स वाई को कैनसल मारद आए रहा टू एक्स माइनस वाई लिख टू एक्स माइनस वाई ये जो माइनस टू अच्छे तुम आर पाक को फिंगी दि से प्लस टू तेतीस सांगे प्लस टू कर तेतीस सांगे दुई जोग कले के हम साबास पैंतीस तो ये होगा आम समीकरण दुई समीकरण एक आउ दुई पाईगले आम बर्तमान तुम तक जोग कर दि तुम वाई रान पाइव है वाई रान बाहर जामी देख ये प्लस टू एक्स अच्छी ये सरी ये माइनस टू एक्स अच्छी ये प्लस टू एक्स अच्छी तो कैनसल होना जोग करदे बुझिपार ना ना दिमाग टी खटाओ तो लिखा इक्वेसन वन सांगे जदि आम इक्वेसन टू को जोग करवा तमर समाधान होपटे बाखे अच्छी माइनस टू एक्स प्लस टू वाई माइनस टू एक्स प्लस टू वाई आमीकरण दुई रे बाखे अच्छी प्लस टू एक्स माइनस वाई इज इक्वाल टू देख ए पाखे अच्छे माइनस चबीश ए पाखे अच्छे पैंतीस तो माइनस चबीश प्लस पैंतीस बुझिपारे कि बाख को बाख सागर जोग कले डाण पाख को डाण पाख सहित जोग कले है तो देख माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स ये कैनसल हो टू वाई माइनस वाई के दुटा वाई रू गोटे वाई वियोग करवा वियोग फल के भेरी गुड आउ रही गोटे वाई तो वाई इज इक्वाल टू पैंतीस वियोग चबीश के कहल एगार तो वाई रान बाहरी गला ये एगार तो प्रस्थ बाहरी गला आम मूल आयत क्षेत्र एगार मीटर भी तुम चाहिए लिखिपार है वाई रान बाहरी गला एवं एक्स रान बाहर करने तुम वाई रान को इक्वेसन वन कि टू के भी पकई पार तो लेख वाई रान को इक्वेसन टू रे प्रयोग कले आम पाइबा ये देख टू एक्स माइनास वाई अच्छी वाई जगह पकई दिव एगार टू एक्स माइनास वाई इक्वाल टू थर्टी फाइव बुझिपार ये जो माइनस एगार अच्छी जो तुम आर पाक को फिंगी दबो से जो प्लस एगार तो आम पाइबा टू एक्स इज इक्वाल टू एगार सांगे पैंतीस मिसेल देखा छयालीस बाहर जीव बुझिपार एगार सांगे पैंतीस मिसेल के छयालीस देख ये टूटा एक्स सांगे गुण नहीं कि आर पाक गले हरण हो तो आम पाइबा एक्स इक्वाल टू छयालीस डिवाइडेड बाय टू छयालीस दुई हरण कर के बाहर दुई दुनि चार दुई तीन छः तेईस बाहर जीवला तो एक्स रान आम पाइबा तेईस मीटर वाई आम पाइले केगार मीटर एक्स रान आम पाइले तेईस मीटर एवं तुम मूल आयत क्षेत्र क्षेत्रफल बाहर कर एक्स वाई वर्ग मीटर केमती बाहर एक्स जगह पकई दि तेईस मीटर आउ वाई जगह पकई दि एगार मीटर देख गुणन कर बाहर से वर्ग मीटर हम है मूल आयत क्षेत्र क्षेत्रफल से वर्ग मीटर हम करदे देख तेईस गुणन एगार तीन के तीन दुई के दुई तीन के तीन दुई के दुई तीन तीन दुई पाँच दुई दुईश तेपन दुईश तेपन वर्ग मीटर बुझिपार तो ये मूल आयत क्षेत्र क्षेत्रफल बाहर दुईश तेपन वर्ग मीटर बुझिपारे ना नहीं देख क्वेश्चन नंबर 19 अच्छी पचास को एपरी दुईट संख्यार समष्टि रूपे प्रकाश कर जेपरिक संख्याद्वयर व्युत्क्रम समष्टि एक बै बार हे आमे पचास को एपरी दुईटा संख्यार समष्टि रूपे प्रकाश करवा जेपरिक से ही संख्याद्वयर व्युत्क्रम समष्टि एक बै बार हे तो देख आम मन करवा दुईटा संख्या हूँ एक्स आउ वाई माने एक्स आउ वाई को मिसेने पचास हम से कही पचास को दुईटा संख्यार समष्टि रूपे प्रकाश करवा कि दुईटा संख्या तो आम जाने मन करवा दुईटा संख्या हूँ एक्स आउ वाई तो लेख मन कर एक्स ओ वाई रो समष्टि हूँ पचास तमें आपको आम एम भी लिखिपर एक्स प्लस वाई इक्वाल टू पचास बुझिपारे कि नहीं तो यह देद समीकरण एक पुणी कही दुईटा संख्यार व्युत्क्रम समष्टि एक बै बार हम लेख प्रश्नानुसार आम को प्रश्न कही एक्स व्युत्क्रम के वन बै एक्स वाई व्युत्क्रम के वन बै वाई बुझिपारे कि नहीं एक्स व्युत्क्रम हूँ वन बै एक्स वाई व्युत्क्रम हूँ वन बै वाई व्युत्क्रम बुझुच तो व्युत्क्रम कहले गुणनात्मक विलोमी को बुझाए तो एक्स गुणनात्मक विलोमी हूँ वन बै एक्स वाई गुणनात्मक विलोमी हूँ वन बै वाई से कही व्युत्क्रम समष्टि हम एक बै बार बुझिपार चलो बर्तमान तले आम लसा को आसे एक्स वाई उपरे चल जाव एक्स प्लस वाई बुझेगा वाई प्लस एक्स लिखिपार ना एक्स प्लस वाई लिखिपार इज इक्वाल टू वन बै ट्वेल्व चलो आम तो जाचे एक्स प्लस वाई रान के पचास तो ये पचास पकई दि
x plus y जगह ऊपरे x plus y जगह 50 पके दियो तो 50 by xy is equal to 1 by 12 बुझियाला वर्तमान वज्र गुणन करो xy को 1 संगे गुणन करो यदि हम xy को 1 संगे गुणन करिवा उत्तर भरिबो xy is equal to 50 को 12 संगे गुणन करलो देखिबा 12 5 60 600 बाहर जीवो बुझी पाले कि नहीं तो xy केते बाहरला एठी 600 x plus y केते बाहर दिला 50 वर्तमान हमें कोन करिवा ना x minus y बाहर करिवा तो लेखो जे एठारे हमें चाहिले x minus y बाहर करिवा तमने इदीटा संख्या रो अंतर बा वियोग फल बाहर करि परिवा तो x minus y केमति बाहरिबो ना फार्मूला आउची x plus y रो होल स्क्वायर minus 4xy रो रूट ओवर हला मने रखो x minus y केमति बाहरिबो ना x plus y रो होल स्क्वायर minus 4xy रो रूट ओवर एडा नुवा फार्मूला लागुची तुमगु अरे किछि नहि तमे जाननो कि a minus b रो होल स्क्वायर इक्वल टू a plus b रो होल स्क्वायर minus 4ab फार्मूला मने अछि तमरा ए फार्मूला समस्त जानिचो जे a minus b रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू a plus b रो होल स्क्वायर minus 4ab आ एतिक भी जाननो कोन जानिचो तमे दुनिया रे आ जदि जाननो तले लेखिनियो एबे a minus b रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू a plus b रो होल स्क्वायर minus 4ab एबे देखो जे स्क्वायर अछि से आर पाक गेले रूट ओवर हे जइबो त हमे लेखि परबा a minus b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a plus b रो होल स्क्वायर minus 4ab बुझि पाललो तो a minus b केमती बाहरिबो ना root over of a plus b रो होल स्क्वायर minus 4ab एठी भी सेम जिंस x minus y रो वैल्यू बाहरिबो x plus y रो होल स्क्वायर minus 4xy रो root over हला चलो वर्तमान हमें x minus y बाहर करिवा इज इक्वल टू देखो root over of x plus y रो होल स्क्वायर x plus y जगह हमें 50 लिखि परिवा तो लेखो 50 रो होल स्क्वायर minus 4xy 4 into xy जगह रे हमें केते पके परिवा xy जगह रे 600 पके परिवा तो पके दियो 600 त हमें भाई भाई x minus y is equal to 50 रो स्क्वायर होबो 2500 minus 600 4 रो गुणनफल केते 6 4 24 रो दीटा सुनो माने 2400 रो रूट ओवर 2500 रो 2400 वियोग करले देखिबा केते बाहरिबो 2500 रो 2400 वियोग करले 100 रो रूट ओवर बुझि पाललो तो x minus y equal to 100 रो रूट ओवर केते 10 100 रूट ओवर केते 10 एतिकी तो जानिथिबो समस्त 100 रूट ओवर 10 बोली चलो ये होजी हमर समीकरण 2 समीकरण 1 आ समीकरण 2 पाई गेले समाधान कर दियो हमें x और y रो मान पाई जिवो एबे भी कर परिवनी चलो मु से कह दउ छी इक्वेशन 1 संगे इक्वेशन 2 मिसै दियो तमे x रो मान पाई जिवो केमती देखो डाहाण पाख संगे डाहाण पाख को मिसाओ बा पाख संगे बा पाख को मिसाओ देखो x + y संगे x - y को मिसाओ x plus y plus x minus y is equal to देखो एड़ी 50 संगरे 10 को मिसाओ 50 plus 10 बुझी पाल लो चलो एड़ी plus y minus y cancel ले गला x plus x के थे सब बास 2x गुटे x संगरे आउटे x मिसेले दीटा x भारी बट 2x equal to 50 10 60 वर्तमान जो 2 टा x संगरे गुणा नहीं कर चार पाग गले हरण आई जीवो तो हमें पाइबा x is equal to 60 by 2 60 रो अधा केते 60 रो अधा केते 30 वेरी गुड तो x रो मान हमें केते पाइले 30 तो गुटे 30 हेला गुटे 20 बाहर जीवा आउ को आउ गण देखो 30 रे 20 मिसेले तो तुमर 50 बाहरिबा ना तो गुटे पाइ गलोनी माने आ गुटे तमे अनुमान भी कर दे पारिबो किंतु अनुमान कर दोवानी सेठी सेठी तुम बाहर करिबो हला तो लेखिबो जे एडी x रो मान को इक्वेशन 1 रे प्रयोग करले हमें पाइबा देखो इक्वेशन 1 होची x plus y equal to 50 x जगह रे पके दियो 30 30 plus y equal to केते 50 आ हमें खाली y केते पाइबा 30 टा पाकु करले वियोग होई जीवो 50 रु 30 वियोग करले केते वेरी गुड 20 तो वर्तमान y रो मान पाई गेले 20 क्वेश्चन नंबर 20 अछि गोटे भग्नांश रो लब आ हर को जोग करी जोगफल रो एक तृतीयांश नेले ताहा हर ठारु 4 गुणा होए वो हररे एक जोग करी भग्न संख्या टी को लघिष्ठ आकार रे लेखिले ताहा 1/4 हुए तबे भग्नांश टी केते वर्तमान आमे तो जानी ने भग्नांश टी केते मने करिबा जे भग्नांश रो लब होउची x आ हर होउची y ताले भग्नांश टी आमे पाइबा x/y बुझि पारछो तो समाधान करिबा ए प्रश्न रो लेखो जे मने कर भग्नांश टी रो लब को आमे नबा x आ हर को आमे नबा y ताहाले हमकु जो भग्नांश टी मिलिबो से हबो x/y बुझी पाललो
तापरे फास्ट पार्ट पढ़ो क्वेश्चन रो लिखा है इसी गोटे भग्नांश रो लब्ब व हर को जोग करी जोग फल रो एक तृतीयांश नेले ताहा हर ठारु चारि गुणा हुए तो लेखो प्रश्न रे हमकु कहि छि प्रश्न अनुसार भग्नांश रो लब्ब व हर को जोग करी कि लब्ब के एक्स हर के वाई ताकु जोग कर दे एक्स संगे वाई को जोग कर दियो लब्ब व हर को जोग करी कि जोग फल रो एक तृतीयांश नेले ताहा हर ठारु चारि गुणा हुए ताहा हर ठारु चारि गुणा हुए हर के अछि वाई वाई ठारु चारि गुणा गुणा माने कम माने वियोग कर दियो वाई ठारु चारि कम हो बुझि पारलो चलो वर्तमान को हम एमती लिखि परबा एक्स प्लस वाई बाय थ्री इज इक्वाल टू वाई माइनस फोर बुझि पारलो ए जो थ्री टा अछि तळे हरण हे कि से यदि डाहाण पाकु आसीबो गुण नै जीवो आंक संगे तो आमे पाइबा x प्लस y इज इक्वाल टू थ्री इंटू वाई माइनस फोर बुझिपारल तो आम लिखिपर x प्लस y इज इक्वाल टू थ्री सागर वाई गुणले थ्री वाई माइनस थ्री इंटू फोर के चार थ्री हो बार बर्तमान देख ये थ्री वाईटा पाखे प्लस यार पाखु गले माइनस हो तो आम पाइबा x प्लस y माइनस थ्री वाई इज इक्वाल टू ए पाखे रइनस बार बुझिपारल ए थ्री वाईटा पाखे प्लस हो बुझिपार तो प्लस होर पाक गले माइनस हो माइनस ये बार अच्छे प्लस अच्छे थ्री वाई आगुरी प्लस चिन्ह लगे बुझिपार कि नहीं चलो लगे जा देख चिन्ह जदि लग न तुम्हें बुझे से प्लस अच्छी बुझिपार चलो बर्तमान आम पाइले एक्स प्लस वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वाल टू माइनस बार वाई माइनस थ्री वाई के वाई रू थ्री वाई को वियोग कले आम के पाइबा माइनस टू वाई तो ये आम लिखा एक्स माइनस टू वाई इज इक्वाल टू माइनस बार या दबा समीकरण एक है इक्वेशन वन पाईगले आम तापर प्रश्नर द्वितीय पार्ट को देख पुणी आमको प्रश्न कहुचे हर रे एक जोग करी भग्नांशटी को लघिष्ठ रूप से लिखिले आम पाइबा एक बै चार बुझिपारे कि हर रे केते जोग करिबा एक जोग करिबा आमर भग्नांशटी अच्छे एक्स बै वाई केवल आमको हर रे एक जोग करिवार अछि आउ जदि आम ये भग्नांशटी को लघिष्ठ आकार में लिखा बर्तमान आम पाइबा एक बै चार बुझिपार बर्तमान वज्र गुणन कर चार सागर एक्स गुण फोर एक्स इज इक्वाल टू एक सागर वाई प्लस वन गुण एक सागर जहाँ भी गुणिले से संख्या बाहर तो वाई प्लस वन सागर जब आम एक गुणवा गुणफल के बाहर से ही वाई प्लस वन बाहर बुझिपार एवं देख डाण पाखे वाई अच्छे प्लस होर पाक गले माइनस हो आम पाइबा फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वाल टू वन बुझिपार फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वाल टू वन या दबा आम समीकरण दुई बर्तमान आम समीकरण एक पाइलु समीकरण दुई पाइलु दुटा को समाधान करदे एक्स आउ वाई मूल्य पाई आम भग्नांशी हम एक्स बै वाई बुझिपार केमती समाधान करवा देख इक्वेशन वन आम वन गुणन करवा जहाँफल कि जहाँ अच्छे सेम जिन रक्स माइनस टू वाई इज इक्वाल टू माइनस बार एक्स माइनस टू वाई इज इक्वाल टू माइनस बार अच्छी एबे इक्वेशन टू रे आमे टू गुणिबा दुई गुणिया फल आम कौन पाइबा चारि दुणे हो आठ एक्स माइनस दुई इंटू वाई हो दुई वाई इज इक्वाल टू दुई के हो दुई बुझिपार वर्तमान वियोग कर दियो लिखिबो वियोग कले आम पाइबा ए जो प्लस एट एक्स माइनस एट एक्स प्लस माइनस टू वाईटा हो प्लस टू वाई आउ ये प्लस टू टा हो माइनस टू बुझिपारे कि द्वितीय समीकरण साइन चेंज हो चिन्ह परिवर्तन हो तो देख प्लस टू वाई माइनस टू वाई तो ये कैनसल हो गला माइनस एट एक्स प्लस एक्स ऊपर अच्छे प्लस एक्स तले अच्छे माइनस एट एक्स तो आमको मिल माइनस सेभेन एक्स बुझिपार इज इक्वाल टू ए पाखे देख लो के माइनस बार माइनस दुई के माइनस चौदह चलो बर्तमान दि सैड्रु माइनस काटि आम पाइबा सेभेन एक्स इज इक्वाल टू फोर्टीन एक्स आम के पाइबा सेभेनटा आर पाखे जाइए हरण हो चौदह बै सात चौदह सात हरण कले के पाइबा दुई तो एक्स रान के बाहर दुई एवं एक्स रान को तुम इक्वेशन वन कि टू के भी पकई दियो वाई रान पाइज मु टू रे पकई दे तो लिख एक्स रान को इक्वेशन टू रे प्रयोग कले आम पाइबा लिखाई फोर एक्स फोर इंटू एक्स जगह पकई दे टू फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वाल टू वन फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वाल टू वन चार दुणे के हम आठ आठ माइनस वाई इक्वाल टू वन माइनस वाई टाक आर पाक को फेंगी दियो से जो प्लस वाई आई वन टाक तुम बाम पाक को नहीं आस माइनस वन हो तो आम पाइबा एट माइनस वन इक्वाल टू वाई आठ रु एक वियोग कले के हम भेरी गुड सात हम तो आम पाइबा वाई इज इक्वाल टू सात
एक्स पाई गले 2 वाई पाइले 7 तो हमर भग्नांश डी हो जे एक्स बाय वाई माने 2 बाय 7 बुझि पालो भग्नांश हमें केमदि बाहर गले तो भग्नांश डी बाहरिबो 2 बाय 7 तो एथि सहित अनुशलनी 1 सी पूरा समाप्त हला।